प्रधानमंत्री के बयान के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासत तेज हो गई है। इस वक्त हम लोग जामा मस्जिद इलाके में हैं और यहाँ आम मुसलमानों से पूछेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, एक देश एक कानून के बारे में। तो चलते हैं जामा मस्जिद में, अलग अलग क्षेत्रों में आम मुसलमानों से पूछते हैं कि आखिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या सोचते हैं। आपका नाम? मेरा सुहेल साजिद। सुहेल साहब, एक देश एक कानून के बारे में सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप लोग को पता है? सर सुना तो है, लेकिन अभी उसकी हमें जानकारी नहीं है कि वो कानून हमारे लिए ला रहे हैं, किसके लिए ला रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। वो तो जब तक जानकारी नहीं होगी तो कैसे हम कमेंट कर सकते हैं आपसे। अब तक क्या सुना है आपने? भाई यही सुना है कि एक कानून ला रहे हैं, यही सिविल के सबके ऊपर एक देश एक कानून रहेगा, लेकिन वो अगर हमें अभी पूरी उसकी जानकारी नहीं है कि उसके लिए क्या कानून है और ये किस उसके लिए है, मुस्लिम्स के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए, तो इसकी अभी हमें कोई जानकारी है नहीं। एक बात प्रधानमंत्री ने कहा, आपने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एक घर में दो कानून नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष की पार्टियां जो है मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम करते हैं इस मसले पे, ऐसा आपको लगता है? आप तो इस समुदाय से आजकल जो है सब समझदार हो चुके हैं, पढ़े लिखे लोग हो गए, पहले होती थी जहालत, लेकिन अभी लेकिन कुछ हमारे जो मुस्लिम लॉ होता है शरिया कानून, उसके अंदर हम अपने आप भी चाहते हुए जो है फेरबदल नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि उसको बिल्कुल खत्म कर दे तो उसका तो हम विरोध करेंगे बिल्कुल जी, क्योंकि हमारा कोई शरिया कानून ऐसा होता है कि वो एक आज से नहीं है, वो हमारा शुरू से चला आ रहा है। और ये जब पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब बने थे तो इस चीज का उन्होंने आईन और कानून में भी है कि भाई इनके इन चीजों को ना छेड़ा जाए जिसके अंदर के हमारे को अपना वो रहे, जो धार्मिक है। जी जी, जो धार्मिक है हमारा। आपका नाम? मोहम्मद नसीम अख्तर। नसीम भाई, आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? सर इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है? कुछ भी सुनते हैं? सुने तो हैं लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं है। सुने तो हैं। क्या सुना है? कि कानून लेके आ रहे हैं और उसके बारे में। आप लोगों में कोई गलत फहमी इससे पैदा होती है या कोई भड़काने का काम करता है, ऐसा कुछ भी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपका नाम? रहमान कुरैशी। रहमान जी, यूसीसी के बारे में सुना है आप लोगों ने, कैसे देख रहे हैं? इसमें देखना क्या है भाई, हम ये कहते हैं जो भगवान के दिए हुए कानून है, गीता के अंदर, कुरान के अंदर, बाइबल के अंदर, वो एज इट इज है। उसके अलावा सिविल है और जितने भी मामले क्रिमिनल है, लैंड का है, वो सब हम जिस देश में तो उसे माने, मगर खुदा के दिए हुए कानून को तो रहने दिया जाए थी, उसके अंदर कौन मुदाखलत बर्दाश्त करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एक घर में दो कानून नहीं होने चाहिए, तो इसको कैसे देखते हैं आप लोग? नहीं, उनकी बात तो समझ में नहीं आती हमारे के घर में दो कानून नहीं होने चाहिए। अभी देखिएगा कि वहाँ पर मणिपुर के अंदर जाके देखा भी नहीं उन्होंने, घर में दो कानून बना रखे वहाँ पर उन्होंने, हर जगह के ऊपर कितने कानून बन कर चुके, एक पिछले दो साल से डेढ़ डेढ़ साल से लोग जेलों में जो बगावत का जबान निकालता है या बोलता उन्हें जेल में डाल देते वो भी तो लेकिन लेकिन, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी आप चर्चा भी कर रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मुस्लिम समुदाय को में गलत फहमी फैलाने का काम, उन्हें भड़काने का काम विपक्ष की पार्टियां करती हैं। आप लोग इसी समुदाय के लोग हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई हमें नहीं भड़का रहा, ना कोई अंधा है, वो सब समझ के सोच समझ के कह रहे हैं। और बिल्कुल सही है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, आप किसी के मजहब में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज तक हिंदुस्तान के अंदर एडॉप्शन नहीं था। हमारे जितने भी प्रॉपर्टी के बंटवारे होते हैं या कुछ होते हैं अकॉर्डिंग टू शरीयत होते हैं, आप उसे ही खत्म कर दें। लेकिन यूसीसी सिर्फ एक धर्म से जुड़ा नहीं है, दूसरे धर्मों पर भी से भी जुड़ा है, हो सकता है उनको कोई अमेंडमेंट की जरूरत हो, मगर हमें किसी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं? आपका नाम? मुख्तार अहमद। सुना है यूसीसी के बारे में? सुन ही रहे हैं, देखो क्या कानून लागू करते हैं, इनके हाथ में सब कुछ, ये जो चाहे वो कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। नहीं, आप अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं। हम राय तो दे सकते हैं, ये हमारी कोई हमारी राय को अमल में थोड़ी लाए। नहीं, आप क्या चाहते हैं? जो हमारे सब बड़े चाहते हैं वो हम चाहते हैं। अरे यूसीसी नहीं होना चाहिए, आप ये मानते हैं? भाई यूसीसी नहीं होना चाहिए और क्या है। आपका नाम? मोहम्मद आमिल। मोहम्मद साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश एक कानून की चर्चा हो रही है, आपने कुछ सुना है इस बारे में?
नहीं अभी नहीं। कुछ नहीं। क्या आप लोग को भड़काया जाता है इस मसले पे? यूनिफॉर्म सिविल कोड पे विपक्ष की पार्टियां, प्रधानमंत्री ने ये विपक्ष की पार्टियों पे आरोप लगे? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। क्या बात बताइए। लेकिन होना नहीं चाहिए जो जो इज्जत चल रहा है, जो जो के संविधान चल रहा है उसी हिसाब से सब होना चाहिए। हाँ। कोई दूसरा कानून नहीं होना चाहिए। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में नहीं आप? नहीं नहीं। अच्छा ये सही है, प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि कुछ पार्टियां आप लोग को भड़काती हैं, इसमें कुछ दम है? कहाँ भड़काएंगे, उनके सारे बयान गलत हैं, तो उसमें कोई कर सकता है? तो आप लोग नहीं चाहते कि ये कानून है? जी जी आप नहीं चाहते। आपका नाम? आलम। आलम जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही है, आप लोग को जानकारी है? नो, एक देश एक कानून जिसे कह रहे हैं। हमें तो कोई प्रॉब्लम इसकी नहीं है। चल छोड़ दे, हमें इसकी कोई नॉलेज नहीं है। कोई नॉलेज नहीं है? रहने दे। चलिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि यूसीसी पे मुस्लिम समुदाय को विपक्ष की पार्टियां भड़काती है, इसलिए हम आपकी राय जानना चाहते हैं। इस बारे में अगर हमें नॉलेज होगी तो हम जरूर बोलेंगे। आपका नाम? राशिद। राशिद जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत चर्चा है, आप जामा मस्जिद इलाके में रहते हैं, आपने सुना है और क्या सुना है? भाई देखो, ये तो कानून गलत है, कानून हर मजहब के हिसाब से होना चाहिए जी। लेकिन ये जो सब एक मिला के एक कर देंगे तो ऐसे कानूनी तो झगड़े होंगे फिर। झगड़े होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय को बरगलाने का काम, भड़काने का काम विपक्ष के दल करते हैं। काम तो सभी कर रहे हैं, मुसलमान तो सबके नाम पर मुसलमान चढ़ाओ, जो मुसलमान का नाम लेता है वही तरक्की पा जाता है। ये इस मुल्क में तो हमारे यही होता है, जो मुसलमान का नाम लिया वही तरक्की पा गया। जैसे जैसे सारी पार्टियां, हिंदुस्तान की सारी पार्टियां मुसलमान पे हाथ रखा और कामयाबी की सीढ़ियां पकड़ ली। ऐसा आप सोचते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा होता है, सोचना तो बहुत दूर है, ऐसा ही होता है। आपका नाम? मेरा नाम अतीकुर रहमान। रहमान साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना है सर। क्या सुना है, क्या समझते हैं? सर ये जो है ये पॉलिटिकल, ये जस्ट लाइक जिसे कहना चाहिए कि लास्ट ईयर चल रहा है और इसके बाद चुनाव आने हैं, ये 10 साल पहले भी यही आवाज उठाई गई थी, आज फिर वही आवाज है, क्योंकि अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, ग्राफ पॉलिटिकली इनका गिरता जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने, क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम से लोग परेशान हो चुके हैं, तो अब एक नई चीज, एक नया इशू जिसको उन्होंने रेस किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बहुत समझदार हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं, और जैसे कि 9 साल में उन्होंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिए, वो भी अमरीका जाके, क्योंकि हिंदुस्तानियों के सवाल का जवाब देना नहीं है उन्होंने, वो भी अमरीका के लोगों का। ये आप कहने के बहुत समझदार हैं तो, और ये भी कह रहे हैं कि 10वें साल में ये फैसला हुआ है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में वो कहते हैं कि एक घर में 2 कानून नहीं होना चाहिए। एक घर में तो 1000 कानून है सर, हमारे यहाँ विविधता इतनी है कि हमारे ट्रैवल्स है, सारी चीजें, सबके अलग अलग कानून है। हमारे यहाँ आपका मणिपुर के अंदर 356 क्यों है, 371 क्यों था, तो जब हमारे यहाँ सारी चीजें हैं और लॉ कमीशन के अंदर बैठ के सारी चीजें तय हुई हैं, तो पहले लॉ कमीशन को तो पढ़ ले प्राइम मिनिस्टर साहब एक एक पन्ने को, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब एक एक पन्ने को पढ़ के अपने आप समझ जाएं तो फिर बात। लेकिन वो कहते हैं कि इस मसले पे मुस्लिमों को भड़काने का काम करते विपक्ष की पार्टी। देखिए, आप कोई भी कानून बना दिए हम नहीं मानेंगे, हम अपनी शरीयत को नहीं छोड़ सकते, जो हमारे मजहबी मामले हैं उनको हम अपने कानून के हिसाब से मानेंगे, हम नहीं मानेंगे उसको इंडिया के कानून से, हमको अपना इंडिया का कानून मानेंगे जो सिविल लाइफ है हमारी, लेकिन मजहबी लाइफ में हम इंडिया का कानून नहीं मानेंगे, वो हम मानेंगे अपनी शरीयत का कानून। मतलब धार्मिक मामलों में धार्मिक कानून मानेंगे और भारत का कानून सिविल मामलों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी रोज की लाइफ है उसके अंदर हम इंडिया के कानून को मानेंगे और मानते हैं और मानते आए हैं, बाकी धार्मिक कानून में नहीं मानेंगे। अच्छा, इस मसले पे आप लोग को विपक्ष की पार्टियां भड़काती हैं? जी, हमारे को कोई नहीं भड़काती, कोई नहीं भड़काती, हम क्या समझदार नहीं है, हमको एक अनाज नहीं खाते जो कि हम दूसरे के कहने पे भड़क जाएंगे। आपका नाम? मोहम्मद शाकिर। मोहम्मद साहब, क्या सुना है आपने पहले तो ये बताइए। भाई यही सुना है कि इलेक्शन करीब आ रहा है, अगले साल इलेक्शन है, अब इलेक्शन आ रहा है तो सब पार्टियां अपने अपने जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं, और रूलिंग पार्टी जो हमारी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उसको लगता है कि अब उनके पास एक यही आखिरी मुद्दा बचा है, इसको लाके हम समाज को बांट के
और अपना उल्लू सीधा करेंगे और हुकूमत बना लेंगे। लेकिन अभी का आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम अब नहीं चल रहा या हो गया, हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा? नहीं चल रहा ना, क्योंकि लोग समझदार हो गए। आज 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब बोले अभी तक कुछ? आज 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 60 दिन से मणिपुर जल रहा है, 130 लोग मर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से आवाज नहीं निकली अभी तक। निकली? आप बताइए, हाँ ना में जवाब दीजिए मुझे। नहीं निकली ना? मीटिंग हुई उस पर? मीटिंग हुई। अरे मीटिंग होने से आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुला के आज तक आपने ये नहीं कहा कि भाई इसके ऊपर कोई अपील की जाए? आज तक प्राइम मिनिस्टर ने करा कुछ? 60 दिन से जल रहा है, 60 दिन, 130 लोग मर चुके हैं हिंदुस्तान के, मणिपुर के हजारों लोग बेघर हैं, कैंपों के अंदर हैं। आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? वही तो मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा जी, आप कुछ कह रहे हैं? कार्ड तो खत्म हो गया सर, आप नहीं कह रहे? सर सबसे पहले तो आज हमारा त्यौहार का वक्त है, ईद है। सबसे पहले हम अपने सब भारतवासियों को, सब हिंदुस्तानों को, हिंदुस्तान वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। और उसके बाद जैसा आपने पूछा कि भाई अब ये आपने कुछ सुना इस बारे में, तो हमने सुना यही है कि अगले साल इलेक्शन है और सब पार्टियां लग गई हैं इलेक्शन जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अभी उनके पास आखिरी कार्ड यही है और ये क्या इसको बोलते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो आज की तारीख में भी पक्ष में है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, शिवसेना, उद्धव ठाकरे हो, JDU हो, वो लोग भी सैद्धांतिक तौर पे मानते हैं कि हाँ ये कानून हो सके। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि पहले आप सारे समाजों से बैठ के डिबेट कीजिए। बिल्कुल, इसे भी कहा है ना आज ये, आप अगर आप डिबेट नहीं करेंगे, आप सारी बुद्धिजीवियों से मिलकर बात नहीं करेंगे और आप ये डिक्लेयर कर देंगे कि हम ये कर रहे हैं, तो अपने आप ही एक आंदोलन शुरू होगा। आप क्या कहते हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक जितना हम जानते हैं, जो हमारा संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया था, उसमें एक मूलभूत अधिकार ये दिया गया था कि हर कम्युनिटी, हर मजहब अपनी आजाद है अपने मजहबी रिवायत को निभाने के लिए। और हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क, जहां हर 50-100 किलोमीटर के बाद जबान बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हम 140 करोड़ आदमियों को एक ही लकड़ी से हाथ देंगे और एक ही बात मानने के लिए मजबूर कर देंगे। आखिरी में और भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हम तो ये नहीं कह रहे हैं ना कि क्रिश्चियन हमारे मजहबी बात माने या हमारे हिंदू भाई हमारे मजहब के हिसाब से चले, तो आप ये क्यों चाह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू मजहब के नहीं, नहीं, नहीं। ये कानून में इस बात का नहीं कि हिंदू धर्म के कानून को थोपने की बात है, एक देश एक कानून की बात है। यूसीसी हिंदू धर्म को मुस्लिम पे या मुस्लिम धर्म को हिंदू पे थोपने की बात है। मालूम होगा कि केरला का हिंदू और यूपी के हिंदू का ट्रेडिशनली सब बहुत सारी रिवायतें अलग है। आप मानते हैं इस बात को? जब एक आप हिंदू मजहब में एक चीज नहीं कर सकते, तो आप पूरे हिंदुस्तान को कैसे एक कर सकते? आप समझने की कोशिश करें इस बात को। ये पॉलिटिकल एजेंडा है, नथिंग मोर, इसे टोटल पॉलिटिकल एजेंडा, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है बस। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या सुना है? लागू होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, सबको अपना अपना मजहब पर चलने का अधिकार है, नहीं होना चाहिए। आपसे बात करें, आपने क्या सुना है? मैंने यूनिफॉर्म कोड जो उसका हो रहा है, मोदी जी लागू कर रहे हैं, वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे शरीयत का जो कानून है वही होना चाहिए। और दूसरा जो ये ना नया कानून जो आ रहा है, वो जमात उलमा वाले उस पर डिबेट करेंगे, क्या है उसका जवाब देंगे, नया ड्राफ्ट जो पेश करेंगे, उसके बाद देखो मोदी जी क्या लेकर आएंगे, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन आप लोगों ने क्या सुना है अभी कानून के बारे में, क्या जानते हैं? मैं तो ये जानता हूँ जी, हमारे अंबेडकर जी ने जो कानून बनाया था हिंदुस्तान को एक करने के लिए, वो बहुत बढ़िया था और वही रहना चाहिए। और यूनिफॉर्म जो नया कानून आ रहा है वो नहीं होना चाहिए। पीएम कहते हैं कि आप लोगों को भड़काने का काम विपक्ष की पार्टियां करती हैं। अरे कोई भड़काने वाली बात नहीं, कोई भी आज के टाइम में इतना ना समझ नहीं है, समझे? कोई अपना मजहब को किसी पर थोपता नहीं है, तो इसलिए जो अपना मजहब, जिसका जो मजहब है उस पर उसको चलने देना चाहिए। एक सा नहीं सबको करना चाहिए, एक ही डंडे से सबको नहीं हांकना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम उवैस सुल्तान है। सुल्तान जी, आपने सुना है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? मैंने सुना है, कल ही सुना है मैंने। क्या सुना है? ये यूनिकॉर्न जो है सिविल कोड, उसके बारे में ये सुना है कि वो जो आएगा, वो जो रूल है उसके बारे में, कि जो मजहब के सब बराबर हो जाएंगे। हाँ। ये सुना है मैंने। तो इसमें अगर सब मजहब के लोग बराबर होते हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है आपको? ये तो हर मजहब वाले को दिक्कत होगी, ये सिर्फ मोमडन को नहीं होगी, ये हर मुस्लिम मतलब इंडिया में जितने भी हैं, जितने भी मजहब के लोग हैं, सबको दिक्कत होगी। कोई अपने तरीके से शादी नहीं कर सकता,
अपने तरीके से रह नहीं सकता, जो भी है एक्स वाई जेड, उसमें सबको ही परेशानी होगी। इसलिए मेरा मानना तो यह है, नहीं आना चाहिए, नहीं जी। लेकिन इस मसले पे आप लोगों को कोई विपक्ष की पार्टियां, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्ष के दल भड़काते हैं मुस्लिम समुदाय को, ऐसा है तो उसके बारे में मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा। थैंक यू।